बिसमिल्ल आरमान रही दोस्तों इस वीडियो में हम एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे बेसिकली ये जो है इंट्रोडक्टिव वीडियो है इसमें हम बेसिकली सिर्फ एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम वन बाय वन जो है एक एक डिजीज़ को डिस्कस करेंगे अब एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें सबसे पहले नॉर्मल रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है कि जो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है अगर हम यहाँ पर एक आई का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाने की कोशिश करें ये एक आई है फॉर एग्जांपल ये आई का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ होता है अब जो है सबसे पहले अगर एक पैरल लेज़ ऑफ लाइट आ रही है ये जो लाइट है ये किसी भी इन्फिनिटी से आ, आ सकती है एक दो रेज़ हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये एक पैरल लेज़ ऑफ़ लाइट यहाँ पे आ रही हैं और ये जब लाइट यहाँ पे आएगी तो जब ऐसे ये लेंस पे पड़ेगी और लेंस के बाद अगर ये जाके यहाँ पे दोनों लाइट जो है एक ही जगह पे फोकस हो जाती हैं जिसे हम रेटिना कहते हैं तो रेटिना पे अगर ये फोकस हो रही है तो इसको बोला जाता है नॉर्मल रिफ्रैक्शन कि कोई भी लाइट इन्फिनिटी से आए और उसके बाद रेटिना पे जैसे हम फोबिया सेंट्रैलस भी इसको बोला जाता है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लेयर होती है इधर जाके अगर कोई भी चीज़ फोकस हो जाए तो उसको बोलता है रिफ्रैक्शन लेकिन अब एरर्स जब आएंगे तो ये जो है फोकस नहीं हो पाएगा जब भी पैरल रेज इन्फिनीटी से आएंगी तो वो फोकस नहीं कर पाएंगी रेटिना के ऊपर और फिर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा रिफेक्टिव एरर्स मिलेंगे अब जो रिफेक्टिव पावर होती है ना ऑप्टिकल मीडिया की एक तो होता है यहाँ पे लेंस की रिफेक्टिव पावर होती है और एक होती है कॉर्निया की जो कि हमारी आई का कॉर्निया होता है अच्छा इन दोनों की जब रिफेक्टिव पावर जो है हमारी आई का जो एक्जियल लेंथ ऑफ द आई बॉल होती है अगर हम आई यहाँ पर बनाएं तो आई की जो एक्जियल लेंथ होती है इसके साथ ये दोनों चीज़ें कोरिलेट करती हैं अगर ये कोरिलेशन हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि रिफ्रैक्शन सही हो रही है यानी एक्जियल यहाँ पे जो लेंथ है एक्जियल लेंथ ऑफ आई बॉल और यहाँ पे जो लेंस की जो है ऑप्टिक ऑप्टिकल मीडिया में दो चीज़ें होती हैं एक होता है लेंस और एक होता है कॉर्निया अब ये जो ऑप्टिकल मीडिया में लेंस और कॉर्निया की जो कोरिलेशन है वो एक्जियल लेंथ ऑफ आई बॉल के साथ हो रही हो तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रही होती है लेकिन जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो ये जो आ, पहले जब भी आएंगे तो लेंस और कोर्निया कोरिलेट नहीं कर पाएगा एक्जियल लेंथ के साथ और फिर हमें जो है रिफेक्टिव एरर्स मिलेंगे तो नॉर्मल प्रोसेस भी आपको समझ आ गया और एरर प्रोसेस भी आपको समझ आ गया कि एरर और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं अब इनके लिए कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं सबसे पहली है कि ई मेट्रोपिया अब ई e मेट्रोपिया क्या है बेसिकली ई मेट्रोपिया यही नॉर्मल प्रोसेस ही है कि जब पैरल लेज आएंगी इधर लेंस पे से गुजरेंगी कॉर्निया से और फिर जाके रेटिना पे फोकस हो जाएंगी तो ये होता है ई e मेट्रोपिया इसको ई मेट्रोपिया बोला जाता है बेसिकली सारी डेफिनेशन आप यही वाली इसके अंदर लिख सकते हैं इसके अंदर अकोमोडेशन जो है वो हो रही होती है एट रेस्ट पे अकोमोडेशन वो होती है कि हम करीब की चीज़ों को जो है फोकस करके देख सकते हैं अकोमोडेशन एट रेस्ट हो रही होती है ठीक है अच्छा इसके बाद जो है एक होता है ए मेट्रोपिया अब ए मेट्रोपिया बेसिकली क्या होता है ए मेट्रोपिया इसका उलट है ए मीन के विदाउट यानी अगर पैरल लेज आएंगी और यहाँ पे फोकस ना हो जिसे हम एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन कह रहे थे तो बेसिकली एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा नाम यही है कि ए मेट्रोपिया एरर ऑफ रिफ्रैक्शन मैं यहाँ पे लिखूँगा आपको समझाने के लिए और एरर ऑफ रिफ्रैक्शन यही है कि जब भी पैरल लेज आएँ वो रेटिना पर फोकस ना हो नॉर्मल प्रोसेस है ई मेट्रोपिया नॉर्मल प्रोसेस है ठीक हो गया अच्छा उसके बाद जो है हम इसकी अब टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं तो मैं यहाँ से जो है टाइप्स के लिए मैं इसको रिमूव करूँगा या जो मैं ऐसे करता हूँ चलें यहाँ पे टाइप्स हम इसकी टाइप्स में हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पे हम इसकी टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स इसकी कौन कौन सी होती हैं टाइप्स बेसिकली इसकी तीन किस्म की होती हैं एक होती है हाइपरमेट्रोपिक दूसरी होती है मायोपिया और तीसरी होती है ये तीन किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं अब हम इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं कि हाइपरमेट्रोपिक क्या होती है मायोपिक क्या होती है और एस्टिकमेटिज्म क्या होती है हाइपरमेट्रोपिक मीन के उसकी जो करीब की नज़र है वो कमज़ोर होगी करीब की नज़र ऐसे कमज़ोर होगी कि उसको करीब की चीज़ें ब्लर नज़र आएंगी और दूर की चीज़ें जो हैं वो ठीक नज़र आएंगी तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि उसकी करीब की नज़र जो है वो कमज़ोर होगी ठीक है मायोपिया में जो है उसकी दूर की नज़र कमज़ोर होगी अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाद में अभी सिर्फ आप ये चीज़ समझ लें और एस्टिग्मा में जो है वो दोनों कमज़ोर होंगी तो ये तीन टर्म आपको बेसिक इसका इंट्रोडक्शन पता हो कि हाइपर मेट्रोपिया करीब की नज़र कमज़ोर होना कि क्लोज क्लोज ऑब्जेक्ट जो होंगे वो ब्लर होंगे डिस्टल ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर होंगे मायोपिया में जो है दूर की नज़र जो है कमज़ोर होगी करीब की नज़र ठीक होगी एज मज़ा में दूर की और करीब की दोनों कमज़ोर होंगी तो ये तीन टर्म्स हैं इनको हम वन बाय वन इसकी इटियोलॉजी क्लिनिकल फीचर ट्रीटमेंट सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में तो ये कुछ थी बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले नॉर्मल प्रोसेस क्या है एरर रिफ्रैक्शन कब क्या कब आते हैं ई e मेट्रोपिया क्या है ए मेट्रोपिया क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं बेसिकली ये जो टाइप्स हैं ये ए मेट्रोपिक की टाइप्स हैं क्योंकि वो एरर्स आ रहे हैं तो एरर्स ये वाले होते हैं तीन किस्म के हाइपोमेट्रोपिक माओ माओपिया और ए स्टिकमेटिसम तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके दूसरे लेक्चर में जिसमें हम हाइपो को डिस्कस करेंगे डिटेल में तब तक के लिए खुदा हाफिज़